कब से थी प्रॉब्लम? ये क्या पारुली नाम है ना? ओम स्वामी जी, हाँ, मुझे 2003 में डायग्नोज हुआ था कि सितंबर में कि मुझे स्क्लेरोडर्मा है विद लंग फाइब्रोसिस। स्क्लेरोडर्मा की वजह से मेरे लंग काफ़ी बिगड़ चुके थे, 60% डैमेज हो चुके थे और मुझे तुरंत ऑक्सीजन पे रख दिया था और तकरीबन 4 साल तक मैं ऑक्सीजन पे थी 24/7। मुझे लंग ट्रांसप्लांट ओनली ऑप्शन था तो 3 times लंग ट्रांसप्लांट का एवेल्यूएशन हुआ पर एवरी टाइम दे डिनाइड, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही खराब थी, हाई रिस्क सर्जरी थी तो डिनाई कर दिया और बोल दिया कि बस अब सब खत्म हो चुका है और धीरे धीरे करके लंग कोलैप्स हो जाएगी, हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो उस टाइम मैं 7 liter per hour ऑक्सीजन पे थी, व्हील चेयर पे थी मैं, 20 steps भी चल नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे व्हील चेयर पर लेके मेडिकल सेंटर जाया करते थे और मेरी 3 साल की उस टाइम बच्ची थी, आज 5 साल की है। उस टाइम वहाँ मेडिकल सेंटर में से मुझे रिकमेंड किया, वो बेलर मेडिकल सेंटर में से डॉक्टर हरीश सीताम राजू जो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है जिन्होंने डिनाई किया था, उन्होंने मुझे बताया कि भाई क्यों ना तुम योग का ट्राई करो, क्योंकि उसकी मिसेज भी योग कर रही थी। तो मैं हम लोग घर आए, हमें लेटर मिल चुका था कि बस अब कुछ बचा नहीं, आप व्हील कर लो, बच्चे का जो कुछ करना है कर लो, प्लानिंग करते हैं या मरते हैं। तो बस उस टाइम मेरी मम्मी इंडिया से सीडी लाई थी आपकी VCD, तो वो मैंने एक बार देखी थी थोड़ी बहुत, पर मैं तो वो देख के ही डर गई थी कि भाई मैंने ऐसे भी सांस नहीं ली जा सकती तो ये कैसे होगा। तो पर जब बोलते ना जब कुछ होप नहीं होता तब तिनके का सहारा लेके मैंने तर गई, मैं आपका बस आपका एक लिवे बन गई TV देख के और शुरू कर दिया करना प्राणायाम, एक एक दो दो प्राणायाम करती थी। मेरे लंग काफ़ी स्क्वीज करते थे स्कार्स की वजह से, पर खून निकलता था नाक से मुंह से, पर मैं डरी नहीं क्योंकि ऐसे भी मरना था तो क्यों ना करके देख ले। बोले योग किए बिना भी मरना है, योग करके भी मरना है। अब इसने सोचा बिना योग किए भी मरूंगी और योग करके भी मरना है तो योग करके ही मर जाऊंगी। इतने देखो हौसला था, हिम्मत से काम लिया और आज अब फिर कितने दिन में ठीक हुई पारुल? तू 2005 अप्रैल से मैंने शुरू किया, पहले 2-3 वीक में मुझे अंदरूनी फर्क लगने लगा कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है और 1-1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड भी देख सकते थे कि उसकी एनर्जी बढ़ने लगी है, कुछ चेंजेस है। और एवरी 3 months दर 3 महीने 1 liter ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो 7 liter से 6 liter हुआ, 6 से 5। तो मेरी अगली जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो वो लोग तो सरप्राइज हो गए कि ये बढ़ना चाहिए ये घट कैसे रहा है, ये रिवर्स गाड़ी कैसे चली। तब मैंने बताया कि मैं कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रही हूँ, प्राणायाम योग वगैरह, तो वो बोले आप जो करते हो करते जाइए, बस हमें वो कुछ पता नहीं आप क्या करते हैं पर करते रहिए क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और बस 18 महीने लगे ये ऑक्सीजन निकल जाए के लिए। 2006 दिसंबर में जब आपके भुज में शिविर थी तब मेरे मम्मी पापा मेरी बच्ची को लेकर वहाँ आए थे और उन्होंने आपको बताया कि ये बस ऑक्सीजन अब जाने ही वाला है, आधा या 1 liter में लेती थी तब। तब मैंने कभी ये आपका शिविर देखा नहीं था या कुछ, सिर्फ DVD से ही करती थी। तब मैंने वो आस्था चैनल हमने लिया और आपने बताया कि भाई कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा कर लो तो जल्दी फर्क लगेगा। तो मैंने बस उसी दिन वो शुरू कर दिया, मुझे याद है 6 दिसंबर 2006 को और 11 दिसंबर 2006
विद इन अ वीक मेरा ऑक्सीजन पूरा निकल गया। मैंने रात को नली निकाल के फेंक दी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर आ रहा है ब्रेन में, आईज में वो एयर का, तो मुझे नहीं जरूर अब। तो बस तो ये आधा आधा घंटा किया और आज उस स्क्रोडर्मा रोग पूरी तरह से, ये एक असाध्य रोग था। बहुत बहुत आशीर्वाद भरो।